अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अचार। ये देखें, कच्ची अंबियाँ ली थी मैंने, जो काट ली है इस तरीके से ये। अब इसको मैं नमक और हल्दी लगा दूंगी, और ये मैंने लसूड़े का जो अलहदा से डाला हुआ है, ये देखिए इसको भी तकरीबन 4 दिन हो गए हैं। ये देखिए, अब इसको 15 से 20 दिन जो है ना वो लग जाएंगे तैयार होते हुए। देखें, क्योंकि इसको मिक्स नहीं डालूँगी आम के साथ में, ये लहदा ही डलेगा। तो अब ये जो है आम का वो लहदा से डलेगा। अब इसको मैं लगा दूंगी नमक और हल्दी, तकरीबन आधा पैकेट लगा दूंगी, 5 किलो है आम के, आधा किलो नमक लगा दूंगी मैं इसको। साथ में हल्दी भी लगा दूंगी, और तकरीबन 4 से 5 घंटे ये लगा रहेगा, जब तक ये पानी नहीं छोड़ देती अपना। पानी जब छोड़ देगी ये, फिर इनको खुशक करने के लिए मैं धूप में डाल दूँगी तकरीबन 2 घंटे, और बाद में इसमें जो दूसरे मसाले वो मैं मिक्स करूँगी इसमें। तो बाकी का काम कल बताऊँगी आपको मैं। अभी फ़िलहाल जो है ना, इनको मैंने ये लगा दिया हल्दी और नमक रात भर। आपने लगा देना जो ये कच्ची अंबियों का जो है ना पानी, वो सब निकल जाएगा, इससे अचार अच्छा बन जाता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। बाकी का काम कल करेंगे। नमक और जो हल्दी मैंने लगा के रखी थी 4 से 5 घंटे के बाद जो है ना, वो पानी को अलहदा करके तो ये चीकों में डाल दिए मैंने आम इस तरीके से। तो अभी बजा रात का 1, और जब सुबह जो धूप निकलेगी तो धूप में डाल दूंगी 2 घंटे में, और खुशक हो जाएगी। फिर इसमें दूसरी चीज़ें तेल वगैरह और दूसरी चीज़ें शामिल करूँगी। देखिए, आम खुशक हो चुकी हैं, 2 से 2.5 घंटे मैंने धूप में रख के इनको खुशक कर लिया है। ये इस तरीके से देखे हो चुके हैं। तो सौंफ है तकरीबन 1.5 पाव, और 1 कटोरी नमक है, कलवंजी है ये देखें 2 चम्मच, मेथरे 1 कटोरी, 2 से 2.5 चम्मच ये रायताना है, और ये हल्दी पाउडर 2 चम्मच, और ये दाणा मिर्च है, इस तरीके से दानेदार होती है वो डलेगी अचार में, 1 कटोरी वो है, और तकरीबन 3 किलो सरसों का तेल है, जिसको मैंने 1 उबाल दिलवा के तो ठंडा कर लिया इसको भी। अब इनको जो है ना सौंफ और जो ये मेथी दाना है, इनको थोड़ा सा मैं दरदरा कर लेती हूँ, और ये जो राई दाना है और ये कलवंजी है, इनको ऐसे डालूँगी मैं, इनको थोड़ा सा मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा सा दरदरा कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं पीसा। ये देखिए, मसाला इस तरीके से मैंने दरदरा कर लिया, ज़्यादा नहीं पीसा इसको मैंने, फिर वो जो है ना अच्छा नहीं बनेगा अचार। अब इसको मैं डालूँगी इस पर, आपको पहले लेती हूँ थोड़ा सा, मैं डालूंगी सरसों का तेल, ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मिक्स करूंगी मसाले डाल के मैं। जाएगा सारे मसाले इसमें, मगर मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, कि वो दूसरी भी मिक्स करती हूँ और मैं तो मैं डालती हूँ, थोड़ी सी कलौंजी भी डालती हूँ, मिर्च डाल दी थोड़ी सी, मैंने इसमें थोड़ा सा राई दाना भी डाल दिया, और ये हल्दी पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया, और आपकी मर्ज़ी आप लहसुन भी डाल सकती हैं इसमें छील के, 2 से 3 जुटी में छील के तो वो भी आप डाल दें, अच्छा बन जाता है इससे भी। तरीके से आपने अच्छे तरीके से पहले हल्का सा तेल डाल के तो मसाला लगा देना ऐसे, कि जो ये है ना गुठलियाँ सारी आम की, उनके अंदर तक किस तरीके से मसाला लग जाता है। फिर आप इसको किसी भी चीज़ में जिसमें डालना है आप डाल के, तो फिर बाद में तेल डाल दें, अच्छे तरीके से इसको मसाला लगा देती हूँ। ये देखिए,
तो सालों साल चलता है ऐसे अचार बनाओ। इस तरीके से बता रही हूँ, यकीन माने कि मैं 3 से 4 साल तक भी मैंने देखा तो अचार इस तरीके से डालती हूँ तो ख़राब नहीं होता, बिल्कुल सही रहता है फ्रेश। और तो जो इसकी अंधियाँ हैं ना, ये देखें, ये ऊपर वाली गुठली भी इसकी जो है ना वो लैदा नहीं होती, ऐसे सख्त रहता है अचार, नरम नहीं पड़ता। अब ये देखें, इस बाल्टी में डाल दूँगी मैं इस तरीके से। ये जो और थी पड़ी उनको भी इसी तरीके से मैं लगा दूंगी, थोड़ा सा तेल डाल दूंगी पहले मैं। और ये जो बाकी के मसाले थे वो भी इसमें डाल दूंगी, ये देखते हैं सारे वो भी डाल दूंगी मैं, सारे बच्चे से मसाले को भी मिक्स कर दूंगी। चलिए ठीक, इसको भी इस तरीके से मिक्स कर लें आप अच्छे तरीके से। इस तरीके से आपको कर लेना है, और कोशिश कीजिएगा कि नमक है ना वो ज़्यादा लगाइएगा, नमक ज़्यादा लगेगा तो अच्छा बनेगा, खटास भी ज़्यादा आ जाएगी इसमें तो ख़राब भी नहीं होता। तेल भी है ना, तेल भी ज़्यादा लगे इसमें, तेल में रखो मिक्स हो गई अभी। अब ये भी इस तरीके से मैं डाल दूँगी इसमें, ये देखिए इस तरीके से डल गया। देखिए अब जो बाकी का तेल बचा ना वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। ये मसाला इसलिए मैंने लगा दिया पहले थोड़ा सा तेल डाल के, कि जब मैं तेल डालूँगी ना वो सारी ये जो है देखे ना इसके अंदर तक मसाला चले गया। अब मैं तेल जब साइडों पे डालूँगी ना तो वो उतरेगा ना, वो लगा लेगा साथ ही। चलिए जी सारा तेल डाल दिया मैंने, 3 किलो 5 किलो आम थे तो तकरीबन 3 किलो सरसों का तेल था। ये अभी कल तक जो है ना वो तेल ऊपर आ जाएगा, और देखिए इस तरीके से वो तकरीबन 8 से 10 दिन जो है ना वो बड़ी कपड़ा मलमल का आपको लेके तो उस तरीके से इसको बांधना है आपने, ढक्कन नहीं देना, ढक्कन उसके बाद देना है 10 से 12 दिन बाद। चलिए आपको दिखाती हूँ उसकी मैं भी। चले जी देखिए अब मैं इसको किसी कपड़े से बांध के तो रख दूँगी, तो जब ये तैयार हो जाएगा फिर भी मैं आपको जो है ना दिखाऊंगी, कि मैं वीडियो तब भी बनाऊंगी जब ये तैयार हो जाएगा। अगर आपको इस अचार की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।